हे सर्वशक्ति माते ललिताम्बे, आपकी मुझ शक्ति रूपा महाकाली का प्रणाम स्वीकार हो। हे जगत की आधार देवियों, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, हे शुभे, आप तीनों द्वारा सृष्टि के महाकारण कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? कोई विघ्न व्यवधान तो नहीं है? आप अपने तीनों प्रतिपालक देवों के साथ सुखपूर्वक सकुशल तो है ना? हे जननी, आपके रहते हम बाधा रहित हैं, क्योंकि आप ही हमारी उत्पत्ति हैं। हे सर्वेश्वरी माते, आप ही तो हमारी आधार और स्थिति हैं। हे लीलामयी लय रूपे अम्बे, सबका प्रलय रूप आप ही तो हैं। आपका वरद हस्त मस्तक पर विद्यमान है, आपकी अमोघ कृपा सर्वत्र व्याप्त है, आपका श्री चक्र राज चहु ओर अविराम चल रहा है, सर्वत्र योगी योग है, सर्वत्र क्षेम ही क्षेम है, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, परंतु आपके यहां आने का कोई कारण, कोई विशेष प्रयोजन? हे माते, हाँ हाँ कहो ना, क्या कोई गुप्त रहस्य है? हे माते, आपसे क्या छुपा है, होनी अनहोनी सभी की साक्षी हैं आप। आपके ऐश्वर्य में सभी भाव समाये हैं, आप ही बहिर्मुख और अंतर्यामिनी हैं। हे शुभे, मेरी अंश रूपा होने से ये भाव आप तीनों में विद्यमान हैं, फिर भी यहां आने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के जगत में कोई कार्य नहीं होता। हे माते, कारण ही हमें यहां लाया है, उसका निवारण आप ही कर सकती हैं अम्बे। हे जगजननी, आपका ये विराट विश्व निम्न, मध्यम और उत्तम तीनों भावों में बटा हुआ है, सृष्टि के सभी प्राणी इन्हीं तीनों भावों में विभाजित हैं। हाँ हाँ, ये सत्य है। तो बस यूं ही माते, एक बार नारद जी ने प्रसंगवश बात छेड़ दी कि हम तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसी दुविधा में हम तीनों फंसी हुई हैं। ओ हे कल्याणमयी देवियों, अपने अंतर आत्मा में सभी को अपनी अपनी शक्ति क्षमता का अनुभव होता है, आप ही कहो, आप तीनों का निजी अनुभव क्या कहता है, आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ हाँ कहो। इसे बंदी बना लो। बताओ किसके लिए काम करोगे, बताओ। आपके लिए स्वामी। तो हमारे पालतू चिड़िया को हमने पर फड़फड़ाने की स्वतंत्रता क्या दे दी?
तो वो हमसे ही चोच लड़ाने लग गई। सैनिकों, इस मूर्ख स्त्री को ले जाके कारागृह में डाल दो। जाओ। ले जाओ इसे। कल सिंहासन पर बैठने के पश्चात हम इसे अपनी पटरानी बनाएंगे। ले जाओ। हाँ हाँ कहो। हे जगन माते, जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था तब शून्य आकाश में ना तो अंधकार था और ना ही प्रकाश। वहां जड़ चेतन कुछ भी नहीं था। तब ज्ञान ही सर्वत्र व्याप्त था। अतः आदि कारण होने से ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा मत है। हे सर्वमयी माते, बिना आधार के ज्ञान की कोई स्थिति नहीं रहती। बिना स्थिति के ज्ञान क्रियावान होकर प्रकट भी नहीं हो पाता। और जब ज्ञान आदि कारण बनकर प्रकट होता है तो लक्ष्मी ही उसे पालती पोसती और पल्लवित करती है। ज्ञान का आधार होने से वत्सला लक्ष्मी ही स्वयं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। ऐसा मेरा मत है। हे ललितांबे माँ, शक्ति के बिना न ज्ञान स्थिर रहता है और ना ही लक्ष्मी। बिना शक्ति के दोनों के अस्तित्व बवंडर में उड़ती धूल के समान होता है। क्योंकि शक्ति रहित होने से न ज्ञान में ज्ञान का बोध रहता है और ना ही लक्ष्मी में लक्ष्मी की चैतन्यता। जैसे प्राण रहित शरीर शव के समान होता है। आता है शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ये निर्विवाद है। ओ, आपके इस विवाद के स्वयं कहे गए निर्णय के प्रति आपके अपने स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश ने भी अवश्य ही अपने मंतव्य दिए होंगे। हाँ हाँ माते, मंतव्य तो दिया था, परंतु वो मंतव्य निराधार था। वो न हमें स्वीकार था, न है और न कभी होगा। नमस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते।